स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बेटा स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। ओके ओके। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या है, बाउंडेड लैटिस पढ़ा था। तो बाउंडेड लैटिस में हमने दो चीजें कैलकुलेट करी थी, एक अपर बाउंड ऑफ द लैटिस जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लोअर बाउंड ऑफ द लैटिस ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपर बाउंड का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट हो जो सबसे पीक में हो, लोअर बाउंड का क्या है, सब जो सबसे नीचे हो, जो सबसे लेटेड भी हो और सबसे नीचे हो उसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड लैटिस। मगर जैसे ये इनफाइनाइट वाला था उसमें क्या था कि ये नीचे से जो लोअर बाउंड तो उसका एडजस्ट कर रहा था बट अपर बाउंड इसका एडजस्ट नहीं कर रहा था, जो इनफाइनाइट हम लोगों ने ये पढ़ा था इस वाले केस में, तो इसमें क्या था कि ये इसका अपर बाउंड एडजस्ट नहीं कर रहा था। तो आज हम उसके आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस। जो बेटा मैंने वो एक बार तुम्हें लिंक भेजा था यूट्यूब गेट क्लासेस का, वो तुम लोगों के पास है ना? यस सर। ओके आज से मेरी सीरीज उसमें स्टार्ट हो जाएगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, आज से इसमें लेक्चर आई थिंक आज से चालू हो जाएंगे, मतलब उसमें हो गए होंगे सेट थ्योरी और रिलेशन के कुछ लेक्चर उसमें आज हो जाएंगे और बाकी उसमें डेली के डेली अपडेटेड होगा। लेट बी ए बाउंडेड लैटिस फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एल का मतलब लैटिस, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी डेट बिलोंग्स टू एल सच दैट A X I, ये क्या हमारा जो X होगा ये क्या हमारा I है, and A meet is equal to Y, ये क्या होगा जैसे हमारा O देगा, then B is called complement of A। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या कहा, यदि मुझे कोई एक एलिमेंट ए है ग्राफ में, इसके रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट, मैं दूसरे जो एलिमेंट है लेट सपोज दैट इज बी, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि बी का ए का हमारा कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका ज्वाइन और मीट निकालेंगे। यदि हमारा क्या है, हमारा आई और ओ जो हमारा अपर बाउंड, आई क्या था हमारा अपर बाउंड ऑफ द लैटिस एंड ओ इज द लोअर बाउंड ऑफ लैटिस, यदि हमें इससे ये मिल जाएगा दैट मीन्स बी इज द कॉम्प्लीमेंट टू ए। गॉट इट, डेफिनेशन समझ में आ गई? हाँ बच्चों। यस सर। ओके तो अब उसमें अभी एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ए बी सी एंड डी, ये है हमारा हैज लैटिस। इस लैटिस में क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है कि हमारे कौन कौन से किसके कॉम्प्लीमेंट है। लेट सपोज मैं ए और डी के लिए चेक करता हूँ, तो ए और डी के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, ए और डी के लिए चेक करना है मुझे, तो बताओ क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। मैंने क्या कहा, मुझे क्या निकालना है, ज्वाइन और मेट, ए और डी का ज्वाइन और मेट निकालना है, क्या वो आई और ओ के इक्विवेलेंट है या नहीं है। आई हमारा यहाँ पर क्या है, अपर बाउंड ऑफ द लैटिस दैट इज डी एंड ओ क्या है, लोअर बाउंड ऑफ द लैटिस दैट इज ए। तो क्या मैं ए और डी का यदि ज्वाइन और मेट निकालूंगा तो क्या वो डी और ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करके मुझे बताओ। बताओ बच्चों, ए और डी का हमारा ज्वाइन क्या आ रहा है, डी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज्वाइन यस। और मीट क्या आएगा, मीट ए आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डी आएगा और डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए आया, डेट मीन्स ए और डी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। गॉट इट, समझ में आया नहीं आया, मैंने क्या कहा बेटा,
ए और डी, तो जब मैं ए और डी का निकालूंगा तो क्या आएगा, यदि मैं बाकी हटाए तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ए से मेरे डी की तरफ क्या होगा, ट्रांजिटिव एज होगी। तो यदि मैं ए और डी का क्या निकालूं, ज्वाइन निकालूं, तो क्या होगा, ज्वाइन क्या होगा, अपर वाला डी आएगा, और यदि मैं मीट निकालूंगा लोअर वाला, वो हमारा क्या आएगा, ए आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरे इस लैटिस के आई और ओ डी और ए ही थे, और मुझे अभी भी क्या मिल रहा है, डी और ए ही मिला है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड डी। तो दैट मीन्स ए और डी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। गॉट इट और नॉट? यस ओके okay, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो मैंने ए और डी तो बता दिया, अब मुझे कोई और बताओ वेटेक्स, जो और कौन से कॉम्प्लीमेंट है इसमें। बताओ और कौन से कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो और तो चलो कोई मैं, नहीं, क्यों नहीं है, हिंट देखो जरा। लेट सपोज मैं बी और सी का निकालता हूँ, ठीक है, चेक करो, बी और सी का हमारा ज्वाइन क्या आएगा, मीट क्या आएगा, पहले ही बताओ मुझे, बी और सी का ज्वाइन क्या आएगा मेरा, बी और सी यही तो है, बी और सी मेरे कहाँ पे मिलने हैं, डी पे मिलने हैं, तो इसका ज्वाइन क्या आया, डी, और मीट क्या मिल रहा है, ये कहाँ पे मिल रहा है हमारे, पहली बार ए पे मिल रहा है, तो ये ए आ गया, और यही क्या है हमारे, आई और ओ है। डेट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी। तो यहाँ पे क्या है, ए डी का कॉम्प्लीमेंट है, डी बी डी ए का कॉम्प्लीमेंट है, बी सी का कॉम्प्लीमेंट है, सी बी का कॉम्प्लीमेंट है। गॉट इट? हाँ बेटा मुझे का बताओ बेटा, येस या नो, एक बार रिप्लाई तो करो मुझे। सर एक बार और सुना जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस। देखो मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस के लिए क्या कहा, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये बताया था, अपर बाउंड ऑफ द लैटिस ये बताया था। तो मैंने क्या कहा, अपर बाउंड ऑफ लैटिस क्या होगा, मैक्सिमम जो मेरा किससे होगा, आई से रिप्रेजेंट होगा, जो क्या होगा, जैसे इस डायग्राम में हमारा क्या होगा, अपर बाउंड ये था ए, और हमारा लोअर बाउंड क्या है, डी, मतलब जहां पे ये खत्म हो रहा है। लाइकवाइज यदि मैं ये डायग्राम बनाऊंगा और ये 1 to 4 है, तो मतलब क्या हो गया, 4 क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, और आई क्या है हमारा, लोअर बाउंड है। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि वो सबसे रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा क्या है, सबसे टॉप में होना चाहिए। तो ये क्या था हमारा, अपर बाउंड, और इस लाइकवाइज लोअर बाउंड। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट के केस में यदि मैं कोई भी, यदि मैं दो कोई भी एलिमेंट उठा लूँ, जैसे ए बी सी डी है, लेट सपोज ए और डी की बात कर रहा हूँ, तो यदि मुझे ए और डी का, ए मुझे चेक करना है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कहता है, यदि इनका ज्वाइन और मीट हमारा क्या मिले, आई और ओ के रेस्पेक्ट में मिले विद रेस्पेक्ट टू लैटिस, जो मेरा लैटिस का अपर बाउंड और लोअर बाउंड होना चाहिए, वही हमारा क्या होना चाहिए, इन दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी होना चाहिए। यदि दोनों दोनों सेम हमारा, डेट मीन्स ए और डी आर कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया नहीं आया बताओ। चलो एक केस और लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ। चलो इसमें पहले तुम कैलकुलेट करो, बताओ इसमें कौन कौन से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। सब बीडी होगा, बी डी होगा, सब और ई भी होगा, ई भी बी ई भी होगा, हो, और क्या होगा बेटा, बी डी ई और सी भी होगा, ये चारों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। मैं कोई भी दो पेयर ले लूं, लेट सपोज आई टेक बी और डी, तो बी और डी का मेरा ज्वाइन एंड बी और डी का मेरा मीट, तो उसको हम चेक करें, तो बी और डी का हमारा ज्वाइन क्या मिलेगा, हमें एफ मिल रहा है, और इसका यदि हमें मीट निकालें तो क्या निकाल, ए मिलेगा, और लैटिस में मेरा आई क्या था, मेरा एफ है, और जो लोअर बाउंड है वो क्या है, ए है, और यहाँ क्या मिल रहा है, और जो उसका मीट है वो ए मिल रहा है।
दैट मीन्स बी और डी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. लाइकवाइज यदि मैं बी और ई का निकालूं तब भी क्या निकलेगा, एफ और ए आएगा, और बी और सी का निकालूंगा तब भी मेरे पास एफ और ए आएगा. दैट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई कॉम्प्लीमेंट ई इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट. यदि मैं चार में कोई भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट लूं सब इक्वल है और वो क्या है एक दूसरे के, बी डी सी और ई ये क्या है चारों क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. गॉट इट और नॉट? यस सर. कोई एक एग्जांपल जिसमें दोनों कॉम्प्लीमेंट ना हो, दो पेयर मतलब कॉम्प्लीमेंट ना हो ना. अभी हाँ बेटा वो भी बताएंगे. पहले मैंने आसान चीज बताई, अब इसके बाद हम उस पर आ रहे हैं. चलो एक केस अब और लेते हैं. A, B, C, D, E, F, G. अब इसमें बताओ इसमें क्या है, कुछ हमारे कॉम्प्लीमेंट आएंगे कुछ नहीं आएंगे. तो मुझे साई रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है सभी के उसमें कि A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, B का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, C का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, D का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, E का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, F का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा एंड G का कॉम्प्लीमेंट. इसको पूरा कंप्लीट करो तुम्हारा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. चलो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट किसके साथ लूं, ये तुम्हें खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी कि किसके साथ मेरा आ सकता है सेम. सबसे पहले क्या है, इस लैटिस का यदि मैं आई और ओ निकालूं तो क्या आएगा, आई क्या हो गया हमारा जी और ओ क्या हो गया हमारा ए. अब तुम्हें ये चेक करना है कि मैं ऐसे कौन से पेयर लूं जिनका क्या है मेरा ज्वाइन और मीट जी और ए आ रहा है, बस वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और जिसमें नहीं मिल रहा मैं देट आर नॉट कॉम्प्लीमेंट. पहले मुझे बताओ बी का, चलो सबसे आसान चीज पहले उठाते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट. बताओ बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को मैं किसके साथ कंपेयर करूं जिसमें मुझे क्या है उसका जो ज्वाइन है वो जी मिले और मीट क्या मिले ए मिले. सर सी, ऑब्वियस सी बात है बेटा. बी और सी का क्या होगा ज्वाइन क्या होगा, इन दोनों को जहां पहली बार मिलाते हैं वो कहां मिलेंगे जी पे मिलेंगे और इनका लोअर बाउंड क्या आएगा ए आएगा. दैट मींस बी का कॉम्प्लीमेंट. इसके अलावा भी कोई और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है डी और एफ का. डी और एफ, यदि मैं बी का कहूं एफ भी हो सकता है क्या, यस या नो? यदि मैं बी को बी का ज्वाइन एफ के साथ और बी का मीट ज्वाइन एफ के साथ तो क्या आएगा ये बताओ मुझे. ज्वाइन निकालूंगा बी और एफ का क्या आएगा मेरा जी आएगा और मीट कहाँ पे आएगा, बी और एफ सबसे पहले हमें सबसे नीचे कहाँ पे मिलना है ए पे मिलना है तो इसका ए भी ए आएगा. मीन्स क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा एफ भी हुआ. यस या नो? यस सर. अब इसी तरीके से यदि मैं सी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक तो हमारा ये भी हो गया, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा एक बी हो गया, एक तो बी हो गया और लाइकवाइज क्या है एक डी हो गया. जैसे मैंने बी का मेरा सी और एफ आया ऐसे सी का क्या है बी और डी भी आएगा. अच्छा डी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, डी का कॉम्प्लीमेंट निकालो एफ आएगा. एक बार चेक करो बेटा प्रॉपर तरीके से, जल्दबाजी नहीं करो. अब तुम ये देखो ना, तुमने पहली बार ई ना सर नहीं है. हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, जल्दबाजी मत करो. तो मैं डी का किसके साथ करूं कि वो ज्वाइन आएगा और मीट, ये दोनों मुझे क्या मिलना चाहिए जी और ए मिलना चाहिए. बताओ क्या होगा, सी होगा.
बताओ बेटा, डी का मैं किसके साथ लूं, किसकी आप पेयर बनाऊं, क्या आएगा सी बेटा बता। सी, यदि मैं डी और सी का क्या करूं, ज्वाइन करूं, तो डी और सी मेरे कहां पे मिलेंगे, सबसे पहले जी पे मिलेंगे, और डी और सी का यदि मैं निकालूंगा मीट, तो क्या मिलेगा, वो ए पे कनेक्ट होंगे, तो डेट मीन्स डी कॉम्प्लीमेंट इज सी। ऐसे ही बेटा ई का कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा, क्या कोई ई का कॉम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, पहली बात तो ये, और इसको दूसरे पेयर के साथ चेक करो। लेट सपोज है तुम ई है, ई को हम चेक करते हैं किसके साथ चेक करें, ए के साथ तो कर नहीं सकते, क्योंकि ई और ए में क्या आएगा, मेरा ई और ए आएगा, तो वो मेरे पास हो नहीं सकता, इसका अंदर ए हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। यदि मैं ई को बी के साथ कंपेरिजन करूं, तो ई और बी का हमारा क्या आएगा, जो ज्वाइन आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा, जी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, ई बी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लाइक वाइज यदि मैं ई को सी के साथ कंपेरिजन करूं, तो ई और सी का मेरा ज्वाइन क्या मिलेगा, मुझे एफ मिलेगा, जी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब मैं ई और एफ को यदि ज्वाइन करता हूँ, तो उसमें क्या आएगा, ज्वाइन मेरा एफ आएगा, इसमें भी जी नहीं आएगा। लाइक वाइज मैंने डी के साथ देखूंगा, तो ज्वाइन तब भी डी मिल रहा है, और ई और जी में क्या है, ई और जी में मेरा कोई भी वो है ही नहीं, ई और जी को क्या है, यदि मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगा तो क्या होगा, ज्वाइन तो मुझे जी मिल जाएगा, मगर मीट क्या मिलेगा, ई मिलेगा, इसका मतलब क्या है, ई और जी भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो डेट मीन्स क्या हुआ, ई का कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं, गॉट इट और नॉट, मैंने क्या कहा, बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ। यस सर, लाइक वाइज ये बताओ, एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एफ का मैं किस पेयर के साथ ज्वाइन और मेट निकालूं कि मुझे जी और ई मिले, वो तो बी बी, तो एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, हमारा बी हो गया। इसी लाइक वाइज जी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हाँ एफ का बोलो ए बेटा। नहीं हो सकता सर, एफ का ए यदि मैं एफ का ए निकालूंगा, तो बेटा देखो एफ और ए के केस में क्या होगा, यदि मैं एफ और ए का यदि ज्वाइन निकालूंगा, तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, और एफ और ए का मीट निकालूंगा, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, तो यहाँ पे जो ज्वाइन एफ आ रहा है, जी नहीं आ रहा है, बात समझ में आई बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और एफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो तो सकते। सी हो जा रहा है सर, सी पे पहली बार मिल रहा है हाँ किसका, एफ और ए का। एफ और ए, एफ और ए का बेटा हमारा जो ज्वाइन है वो क्या हो रहा है, एफ आएगा, और जो मीट आएगा वो ए आएगा, यस नहीं। बताओ जी का बताओ क्या होगा, अब मैं देखो जी को किसी के साथ भी करूंगा, तो मेरा जो अपर बाउंड है वो तो जी आएगा, मगर लोअर बाउंड क्या है, मुझे कभी भी ए नहीं मिलेगा, है या नहीं है, तो मेरा क्या होगा, जो जी का कॉम्प्लीमेंट, जी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताओ, चलो तुम बताओ बेटा, जी का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आएगा, यदि मैं लेट सपोज ए और जी को, यही तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर मैं ए और जी को यदि निकालता हूँ, तो ए और जी का ज्वाइन क्या आएगा, और ए और जी का मेट क्या आएगा, ये बताओ मुझे, बताओ बेटा कुछ आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ, ए और जी का हमारा ज्वाइन क्या है और मेट क्या है, ए और जी का हमारा ज्वाइन तो क्या आएगा, जी आएगा, और मेट क्या आएगा, ए मीट आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ, यस या नो, जो मैंने सर्कल से करा है, ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, पहले तुम उसको कैलकुलेट बताओ, यही तुम लोगों को आज दिक्कत हो रही है, इसका मतलब क्या है कि तुम लोगों ने जो मैंने पिछले लास्ट क्लास में पढ़ाया है, तुम लोगों ने इसको देखा भी नहीं है, खोल के दोबारा, यस या नो, यही हो रही ना मिस्टेक, सर। तो बेटा पढ़ना तो बहुत जरूरी है, अभी तुम चीजें छोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा, इतना ही टाइम मेरा ज्यादा बर्बाद होगा, बताओ ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, यदि मैं ए और जी का ज्वाइन निकालूं तो क्या आएगा, सर इसको एक बार तुम चेक करना, मैं तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि मैं जी का कॉम्प्लीमेंट ए लिखूं और यदि मैं ए का कॉम्प्लीमेंट जी लिखूं, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तुम्हें बताओगे, इट इज योर होमवर्क, इसके लिए क्या है, तुम एक बार ज्वाइन मीट ढंग से पढ़ो दोबारा जितना ने पढ़ा दिया है, और उसके बाद खुद चेक करो, यस या नो, कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ,
यस सर। तो ये बताओ, उस पे एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराना है या फिर आगे बढ़ना है? बताओ, सर अब बोलो बोलो, घबराओ मत बेटा। एक और करा दीजिए। चलो एक, यस सर। चलो कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, तुम जितने कहोगे उतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। चलो बेटा, इस केस में बताओ, तो सबसे पहले तो क्या है, ये लैटिस है। हम लैटिस के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस है या नहीं। तो सबसे पहले तो क्या है, इसको लैटिस होना चाहिए, लैटिस है क्योंकि यहाँ पे यूनिक अपर बाउंड और यूनिक लोअर बाउंड है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है हमारी, आई है जो सबसे टॉप में है, और लोअर बाउंड क्या है, ओ, ये क्या है मेरा, ए है। ये तो इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि आई हमारा है और ओ ए कैसे आया। लगता है यहाँ पे सर। किसी को कंफ्यूजन है? अब बताओ, अब वन बाय वन सबको कैलकुलेट करो कि इनका अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होगा। क्या हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है? ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट, एच कॉम्प्लीमेंट, और क्या रह गया, आई कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमें इतनी चीजें कैलकुलेट करनी है। चलो मुझे तुम बताओ आंसर, आंसर तुम्हें बताना है। ए का एग्जिस्ट नहीं करता। ए का एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। और डी का नहीं करता, ए का नहीं करता, तो उन्होंने कहा डी का नहीं करता, और बी और सी का भी नहीं करता। बी और सी का भी नहीं करे, बाकी सबका कॉम्प्लीमेंट है ना। और है तो क्या है, सर जी और एच भी तो नहीं करेंगे सर। ई मिल क्योंकि ई क्या कहा तुमने, जी का भी नहीं है, जी और एच, एच का भी नहीं है। हाँ बेटा, चलो दूसरा बताओ। चलो एक का ही आंसर है, दूसरा बताओ। सर डी का तो एफ करेगा ना, बी का कॉम्प्लीमेंट तुमने कहा एफ है, और हाँ डी का कॉम्प्लीमेंट एफ है, ओके। और डी का तो एफ है, और बताओ बेटा पूरी क्लास में जो बाकी लोग हैं। पहली बात बेटा, क्लास में इतने कम लोग क्यों हैं, सिर्फ 11-12 लोग बेटा। 55 की शायद 50 हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 50 प्लस हैं आई थिंक, तो 45। हाँ तो 45 है, तो 45 में से कम 40 या 35 प्लस तो होनी चाहिए। 30 तो स्टूडेंट्स आते ही नहीं है कभी भी, जो भी गेम है वो लास्ट मतलब 15 स्टूडेंट्स में है। और फिर अभी मैं पेपर बनाऊंगा, पहले बता दिया मैंने टफ, और मैं ऐसे क्वेश्चन निकालूंगा जो तुम्हें नेट में ना मिले हैं, सीरीज में बता रहा हूँ ये बेटा। पूरी क्लास में सबको कह देना मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिनके सॉल्यूशन तुम्हें नेट में नहीं मिलेंगे, लिख कर ले लो, ताकि तुम्हारे ना वो 1.5-2 घंटे में जिसने पढ़ा होगा मेरे साथ पूरा, वही सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और तुम एक दूसरे की हेल्प मत करना, जो लोग कभी क्लास में नहीं आए उनको मत बताना। अभी देखो सब फाइंड आउट हो जाएंगे कौन कितने वो है पानी में। पेपर बनाऊंगा मैं टफ, पहले से बता दे रहा हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जब मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तुम्हें गेट के क्वेश्चन तो नहीं दूंगा, क्योंकि गेट के क्वेश्चन तो तुम्हें इजीली नेट पे मिल जाते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हें नेट पे ना मिले,
मेरा बहुत सारी बुक्स है, बहुत मेरा मटेरियल है, मैं उनमें से दूंगा। तुम नेट में तुम टाइप करते करते थक जाओगे, कितना टाइप करोगे। रुको बेटा, तुम मत आओ क्लास में, तुम्हें बताता हूँ, बस बता देना सबको। इतनी बेटा पढ़ो के देखो, खुद एक बार बुक उठा के देखो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ना पल्ले नहीं पड़ेगी इसको बेटा। सब लोग नहीं पढ़ा पाते हैं सब्जेक्ट को, इसको सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सबके उसके हाथ नहीं है पढ़ाना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बहुत मेहनत चाहिए भाई, तुम्हारे कॉन्सेप्ट खुद के क्लियर नहीं होंगे तो तुम पढ़ा भी नहीं सकते। और उसमें इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट है, जितना तुम टॉपिक उठाते जाओगे, हम देखेंगे आगे हर टॉपिक में ऐसी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, और जिसमें तुम लोग रिविजन नहीं करते हो। तो सबसे पहले बेटा देखो, तुम लोग गलत है आंसर, पहले बता दे रहा हूं मैं तुम्हें पहले भी बताया, जो हमेशा जो ये आई और ए होंगे, पहली बात तो ये याद रख लो, ये प्रॉपर्टी है, ये दोनों के दोनों हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो ये किसके आएगा हमारा, आई और ए, मतलब आई और ए किसके आ रहा हमारा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा आई आएगा, और आई का कॉम्प्लीमेंट ए तो आएगा ही आएगा। पहली चीज तो ये है, क्योंकि यदि हम इसको ए और आई को चेक करो, तो एक तरह से क्या हो गया, यदि मैं डायग्राम बनाऊं बाकी सब बता दूं, तो ए और आई ऐसे तो हो गए, कह सकता हूँ या नहीं कह सकता बेटा। यदि यस नहीं, सर, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसका अपर बाउंड है वो आई आ रहा है, और लोअर बाउंड क्या हो रहा है, ए एग्जिस्ट कर रहा था। डेट मीन्स क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट आई आएगा, और आई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए आएगा। गॉट इट और नॉट? यस सर, आप बताओ बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं बी के साथ किसका देखूं, यदि मैं लेट्स सपोज बी और सी को चेक करता हूँ, तो बी और सी को मैं चेक करूंगा, तो क्या आएगा, लोअर बाउंड क्या आएगा मेरा, सही आ जाएगा। लोअर बाउंड मेरा ए आ जा रहा है, और अपर अपर बाउंड क्या आएगा, ई आ जा रहा ई आ रहेगा, सबसे पहले ई पे ही तो मिलना। सर और ई, और ई के बाद आगे, ई के बाद सर जी पे भी मिलना है, एच पे भी मिलना है, फिर और आई पे आई भी। पे भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी जो हमारा क्या हो गया, वो क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। और लाइक वाइज यदि मैं बी और एफ को देखूं, यदि मैं बी और एफ को चेक करूं, तो क्या होगा, बी और एफ कहाँ पे है, इनका जो एच पे मिल रहे हैं। एच पे मिल रहे हैं और आई पे मिल रहे हैं, तो आई क्या है हमें यहाँ पे मिल रहा है, और लाइक वाइज क्या होगा, लोअर बाउंड क्या आएगा इसका, ए ही आएगा। तो डेट मीन्स क्या है, बी और एफ, बी सी एफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। लाइक वाइज मैं सी का चेक करूं, तो सी का किसके साथ आएगा, यदि मैं सी को तो मैंने चेक कर लिया था, बी आ ही रहा था। दूसरा क्या है, यदि मैं सी को डी के साथ चेक करूं, तब भी मेरा यही आएगा, सी और डी मेरे कहाँ पे मिलेंगे, अपर बाउंड आई आएगा और लोअर बाउंड ए आएगा। डेट मीन्स सी का जो हमारा है, इसमें डी भी आएगा। डी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जब सी का डी है, तो इसका अंदर क्या हो गया, डी का कॉम्प्लीमेंट सी आएगा। और ई का कॉम्प्लीमेंट मुझे बताओ क्या आएगा, ई का कॉम्प्लीमेंट मुझे बताओ कि क्या आएगा, एफ का, जी का है, बी का एफ था, तो मतलब एफ का बी आ गया। जी और एच का क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, आई वो जी और एच में क्या होगा, हम तो कैसे चेक करते हैं बेटा, देखो जी से चलो और आई एच से चलो, तुमने इसमें क्या आ रहा हमारा, ई और आई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी और एच का क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। अगर चेक कर लेना, ई का बताओ, ई का क्या कॉम्प्लीमेंट आएगा, ई को चेक करो बेटा, ई का हमारा किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ये क्या होगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। देखो बेटा, मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने, हाँ बोलो, सर जी और एच ई पे फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं। हाँ, तो जी और एच क्या है, इनका अपर बाउंड तो आई आ जा रहा है हमारा, मगर लोअर बाउंड क्या आ रहा है हमारा, ई तो आ रहा है, ए नहीं मिल रहा हमें। तो फिर ए पे भी तो मिल ही रहे हैं सर, जी एच जाके फिर कैसे मिल रहा है मुझे बताओ बेटा, सर जी से डी जाएंगे, फिर डी से ए, बी बी से फिर ए जाएंगे, तो फिर डी ऐसे से मिल डी जाएंगे आ रहा है, और डी से बी कह रहा है, और बी से ए कह रहा है, और उधर साइड एच में सर, एस से एफ सी ए। एक, इसको चेक करो बेटा। एक्चुअल में क्या है, तुम लोगों ने जो मैं तुम्हें एक चीज बताई थी, हैश डायग्राम, और हैश डायग्राम से मैं तुम्हें बताया था कुछ लैटिस बनने से पहले, तुम्हें मैंने कुछ सिक्स वो बताए थे कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम, मैक्सिमल, मिनिमल, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम,
और उसके बाद क्या है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, और उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन और मीट, और उसके बाद अपर बाउंड ऑफ द लैटिस एंड लोअर बाउंड ऑफ द लैटिस मतलब बाउंडेड लैटिस। इतनी चीजें बेटा इधर पढ़ो और नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस क्या होता है। अभी क्या है तुम लोगों की यहाँ पे मिस्टेक हो रही, कई चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारे, तुम लोग क्या कर रहे हो एक हवा में बह रहे हो, अभी तुम्हें खुद नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत हो रहा है। यस या नो ये बताओ बेटा, ये पूरी क्लास के लिए टास्क है, तो उसके बेसिस पे हम क्या है नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा ये तीनों तीनों पढ़ेंगे। इन तीनों में हमारा रोल किसका होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस में क्या होगा जहां पे हर एक पेयर मतलब हर एलिमेंट के लिए यदि हमारा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता तो उसको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लैटिस कहते हैं, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में क्या होगा जो मैं तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था, जनरली वो हमारा लैटिस पे होल्ड नहीं करता है मगर वो कुछ कुछ लैटिस पे होल्ड करता है, उसके लिए क्या एक प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आएगा। इसी तरीके से हमारा बूलियन अलजेब्रा जो हमारा कॉम्प्लीमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड जो दोनों होते हैं उनको हम बूलियन अलजेब्रा पे कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सारा सारा गेम किस पे है कॉम्प्लीमेंट पे, तो कॉम्प्लीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पे ही हम आगे वाले सारे सारे हम कर पाएंगे कि वो हमारे बूलियन अलजेब्रा है या डिस्ट्रीब्यूटिव है या कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, हैश डायग्राम से मैंने जो मतलब बनाने से बना हैश डायग्राम से लैटिस के बीच में जो तुम्हें मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, ज्वाइन क्या होता है किसी लैटिस का, मीट क्या होता है और अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या है, ये चीज निकालना सीखो। और फिर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, इसके स्नैपशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास, और इसमें कुछ और पूछना है तो पूछो मेरे से, मगर एक बार पढ़ के आओ। देखो बेटा बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, मैं सोचता था आज निपटा दूंगा मगर तुम लोग आज पढ़ के ही नहीं आए हो, तो मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ बेटा यस सर, तो मैं मान सकता हूँ कि जो नेक्स्ट हमारी क्लास थर्सडे को होगी, नहीं कल होगी ना, कल होगी हमारी जो क्लास वेनसडे को, तो उस वेनसडे कल, आज का दिन काफी है ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, आई थिंक 1 आवर बहुत है, यदि तुम 1 आवर में पढ़ लो तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो लास्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी इसके रिगार्डिंग जितना भी हो जाएगा, तो इट इज अप टू यू कि तुम पढ़ के आओगे तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा मैं फटाफट डेफिनेशन लेके और एक एग्जांपल लेके मैं टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। यस सर, तो थोड़ा सा पढ़ो बेटा, और मैंने तुम्हें बुक सबके पास है ना रोजन, मैंने शायद इसकी पीडीएफ सेंड करी थी, तो ये जरा बुक भी उठा के देख लो, कभी पढ़ लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो। ओके सर, ओके सर, ये पढ़ के आओ बेटा, बिना पढ़े बेटा काम नहीं चलेगा। ओके सर, इतनी मैं जब मैं मेहनत करता हूँ तो एटलीस्ट तुम लोगों को कुछ तो करनी चाहिए ना प्रैक्टिस। Yes, तुम्हें कॉलेज वाले ने लिंक प्रोवाइड करे गेट लेक्चर के अभी तक? यस सर, नहीं ऑफिशियल पे किए थे। नहीं नहीं वाले नहीं कह रहा हूँ, एक अलग से जिसमें मैंने डीबीएमएस पढ़ा रखा है पूरा, रिलेशनल अलजेब्रा, ईआर डायग्राम और मैंने क्या क्या नॉर्मलाइजेशन, फंक्शन डिपेंडेंसी ये सब पढ़ा रखा है जिसमें मैंने पूरा कॉलेज में, इनके पास होंगे, मैंने ये सब पढ़ा रखा पूरा। ये देखो जैसे ये रिलेशन अलजेब्रा, रिलेशन कैलकुलस सब पढ़ा रखा। हाँ बेटा कॉलेज वाले तो मैं करे प्रोवाइड नहीं करे, मैंने डीबीएस का पढ़ाया है उसमें। नो सर, हाँ नहीं करे ये, मतलब सारे की सारी क्वेरी वेरी सब कराए मैंने, ईआर डायग्राम मैंने पढ़ाया है, सब पढ़ाया है इसमें टॉपिक, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजेक्शन, ईआर डायग्राम, ये नहीं करे तुम्हारे कॉलेज वालों ने अभी तक? नो सर, मैंने ये सब पढ़ा रखा बेटा, ये देखो सब मैंने पूरा 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 पढ़ा रखा है डीवीएमएस।
गेट के क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करा रखे हैं मैंने, सब करा रखा पूरा, किसके बीच में कैसे वो हो रही है। तो तुम्हारा तुम्हारा भी कुछ सब्जेक्ट चल रहा होगा ना डीबी में? यस सर, ओके, तो किसी को कोई कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही सर। होगी? हाँ सर सुमित सर से आज क्या के पूछ लेंगे सर। ये एक्चुअल में ना ये पेड़ है तो कॉलेज वालों ने यदि परचेज किया होगा तो बेटा तभी तुम्हें मिलेंगे ये। एक्चुअली मैंने गीट एकेडमी कोचिंग है ना उसमें पढ़ा है, तो गीट एकेडमी मतलब वो कह रहे थे कॉलेज वालों ने शायद परचेज करे, हमने बहुत कम रेट में कॉलेज वालों को परचेज करवाए थे। अब कॉलेज ने परचेज नहीं करेंगे तो नहीं देंगे तुम्हें, और परचेज करेंगे तो तुम्हें मिलना। चलो जो भी है, कभी कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लेना, सही है बच्चों? यस सर। हाँ डीबीएमएस में कुछ पूछना हो पूछ।